तो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ पांच ऐसी चीजें जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जिम में यूज करनी। मैं जब नया नया जिम में गया था मैंने ये सारी चीजें यूज नहीं की थी, मैंने हार्ड वे से सीखा, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग शुरुआत से ये सारी चीजें यूज करो ताकि आप लोग सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओ, सबसे बेस्ट अपनी प्रोटेक्शन कर पाओ, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस पा पाओ जो जिम में एक बंदे का होता है। तो बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं वीडियो के अंदर। तो जब आप सबसे पहले जिम में जाने के लिए निकलते हो उससे पहले आप अपना बैग प्रिपेयर करते हो कि मैं जिम में क्या क्या चीज़ लेके जा रहा हूँ। जिम में तीन चीज़ें होती है, नैपकिन, आपकी वाटर बॉटल और आपके शूज़। ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नैपकिन ताकि आप जब भी बेंच कोई भी यूज़ करो, कोई भी मशीन्स यूज़ करो, उस बेंच से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना हो, जिससे कि आपको दूसरे का पसीना नहीं लगे और कोई भी एलर्जीज या फिर रैशेस का चांसेस खत्म हो जाए। और प्लस आपको जब एक्सेसिव स्वेट होता है और आप कोई भी मशीन यूज़ करते हो उसके बाद आपका स्वेट मोस्टली वहाँ पर रह जाता है और वो दूसरे बंदे को यूज़ करना अच्छा नहीं लगता है। तो ये एक मैनर वाली भी चीज़ है और आपकी सेफ्टी वाली भी चीज़ है, तो आप नैपकिन बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। सेकंड चीज़ जो है वो है वाटर बॉटल। जैसे कि मैंने बोला कि जिम में आप बहुत सारा पसीना निकालोगे, बहुत सारे कैलोरीज बर्न करोगे क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, पसीना निकाल रही है, उसकी एनर्जी जा रही है, तो आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्यूरिंग द वर्कआउट। इसलिए आपको एक वाटर बॉटल कैरी करनी ही चाहिए क्योंकि आप दूसरे के यूज़ करे हुए वाटर बॉटल यूज़ नहीं कर सकते। इस टाइम पे मोस्टली कोविड वाला टाइम है तो आप एक दूसरे की चीज़ें शेयर नहीं करोगे, और कोविड का टाइम नहीं भी हो सपोज़ तो वाटर बॉटल आपकी खुद की होनी चाहिए। आप किसी और का वेट नहीं करोगे कि या वो पानी पी ले फिर मैं पीऊँगा, या फिर वो भी चीज़ हो जाती है कि उसने मुंह लगा के पिया, उसने ऊपर से नहीं पिया, ये वाली चीज़। तो ये सारी चीज़ें सोचने से अच्छा खुद की वाटर बॉटल ले जाओ। सबके घर पर वाटर बॉटल तो होगी, तो वो वाटर बॉटल बैग में डालो, उसको जिम लेके जाओ। तीसरी चीज़ जो मैंने बताई, स्पोर्ट्स शूज़। अभी आप किस चीज़ के लिए ट्रेन करते हो उस पर भी मैटर करता है बहुत ज़्यादा, पर फिर नॉर्मल जो शूज़ होते हैं जिसकी फ्लैट सोल होती है वो शूज़ ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के लिए चल जाएंगे। वो लिफ्टिंग के लिए चल जाएंगे क्योंकि उनकी सोल फ्लैट होती है और उससे कोई कुशनिंग इफेक्ट वगैरह मिलता नहीं है। और अगर आप कार्डियो करते हो तो वो रनिंग शूज़ आपको ज़्यादा काम आ सकते हैं। ऑल इन ऑल आपको अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के हिसाब से स्पोर्ट्स शूज़ चूज़ करने चाहिए। अगर आप सिर्फ कार्डियो करते हो तो फिर अच्छी कंपनी के रनिंग शूज़ ले लो, या फिर अच्छी क्वालिटी के रनिंग शूज़ जो आपने ऑलरेडी यूज़ किए हैं वही ले लो, या फिर आप अगर वेट ट्रेनिंग में ज़्यादा करना चाहते हो या फिर वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा तरीके की करना चाहते हो तो आप फ्लैट सोल के जूते यूज़ कर सकते हो। जिस भी जूते की सोल ज़्यादा ज़्यादा फ्लैट होती है वो आपको वेट ट्रेनिंग में काम आएगा ही, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बैर फुटेड ट्रेन करते हैं ताकि उनके और ज़मीन के बीच में बहुत कम ही अंतर रहे। ये जो कुशनिंग वाले जो भी शूज़ होते हैं वो थोड़ा स्क्वाट में और डेडलिफ्ट में आपको थोड़ा 19-20 इफेक्ट देते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए सही नहीं है, आपके एंकल के लिए या फिर आपकी नीज़ के लिए। इसलिए फ्लैट सोल वाले जो जूते हैं वो वेट ट्रेनिंग वाले बंदे यूज़ कर सकते हैं। फ्लैट सोल वाले जैसे वो टेनिस शूज़ आते थे जिनकी ग्रीन सोल होती थी, वो ऐसे वाले जूते आप यूज़ कर सकते हो। ये हो गए तीन चीज़ें। अभी लास्ट दो चीज़ें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक है आपका वेट ट्रेनिंग बेल्ट और दूसरा है सपोर्टर। पहले वेट ट्रेनिंग बेल्ट की बात कर लेता हूँ। वेट ट्रेनिंग बेल्ट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है जो आपको कैरी करनी ही करनी है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी आपका परफॉर्मेंस बढ़ाने में, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में, आपकी लिफ्टिंग अबिलिटीज़ को और शार्पन करने में। जब आप एक वेट ट्रेनिंग बेल्ट के साथ वर्कआउट करते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी फॉर्म सही है या गलत है, और आपको पता चलता है एक्चुअल में कि आपका कोर एंगेज हो रहा है नहीं हो रहा है, और मोस्टली आपके बॉडी को डैमेज होने से बचाती है। अगर आप रॉ स्क्वाट करते हो बहुत ज़्यादा हैवी तो चांसेस है कि भाई आप लोग इंजर हो सकते हो या फिर इंटरनली कुछ हो सकता है आपको, अगर आपका कोर नहीं एंगेज हुआ तो। पर अगर आप वेट ट्रेनिंग बेल्ट बहुत टाइट पहले पहन लेते हो तो आपका कोर ऑटोमेटिकली एंगेज हो जाता है, तो फिर आपके जो इंजरी के चांसेस होते हैं वो निल हो जाते हैं। तो आपको एक वेट ट्रेनिंग बेल्ट बिल्कुल यूज़ करनी चाहिए। 10 बार इसको कहीं पर लिख लो, आप जिम में अगर जाते हो तो वेट ट्रेनिंग बेल्ट यूज़ करना ही करना है, मोस्टली जिम्स में होगी ये बेल्ट। और अगर आपके जिम में नहीं है सपोज तो आपको ये चीज़ ले लेनी है, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, आपको वेट ट्रेनिंग बेल्ट ले लेनी है। अगर नहीं ले रहे हो तो फिर ज़्यादा हैवी लिफ्ट मत करो, या फिर अपने जिम वाले से डिमांड करो कि भाई लेके आ बेल्ट तो हम लोग हैवी ट्रेन करें, ऐसा कुछ।
99% ऑफ द जिम्स में होगी पर नहीं है तो लेके आ जाओ। अब पांचवी और सबसे लास्ट पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है एक सपोर्टर पहनना जब आप हैवी लिफ्ट करते हो। जब भी आप लेग वर्कआउट कर रहे हो, डेडलिफ्ट कर रहे हो या फिर कोई भी हैवी लिफ्ट कर रहे हो, आपको सपोर्टर पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी आप हैवी लिफ्ट करते हो तब आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स बहुत ज्यादा एक्सपोज होते हैं, अनगार्डेड और अनप्रोटेक्टेड होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज होती है सपोर्टर, जो कि आपके ऑर्गन्स को कोई भी डैमेज या फिर इंजरी से बचाता है। और ट्रस्ट मी, मैंने आज तक 50% पब्लिक को सपोर्टर यूज करते हुए नहीं देखा है, और वो लोग बहुत ज्यादा हैवी डेडलिफ्ट और स्क्वाट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग सबको कुछ ना कुछ हो जाएगा, पर फिर चांसेस होते हैं, तो रिस्क क्यों लेने का। और आप ऐसा कोई रिस्क मत लेना, अपने आप को सेफ रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारी प्रायोरिटी है, और बाद में बॉडी बनाना और अच्छे दिखना वो सब बाद में हो जाएगा, पर पहले अपने आप को सेफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आज वाली वीडियो आपको कोई भी तरीके से काम आई हो, और आप लोग कल से जब जिम जाओ या फिर कभी भी अगर जिम जाओ तो ये सारी चीज़ें फॉलो करो। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। अगर आप लोग को ऐसी ही बहुत सारी फिटनेस नॉलेज और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन हिट कर देना, और मैंने ब्लॉग्स भी शुरू किए हैं तो आपको अगर वो देखना है तो वो भी जाके देख सकते हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।